मित्रों नमस्कार, शुभ संध्या। मैं हाजिर हूँ आज डॉक्टर राकेश वर्मा की एक नई कविता को लेकर, जिसमें उन्होंने एक कवि, एक लेखक की दर्द भरी कविता के माध्यम से अपने विचारों को रखा है। तो मैं उस कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आप सुने और महसूस करें एक कवि के हृदय में कितना दर्द होता है। दर्द कागज पर मेरा, दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, मैं बेचैन था रात भर लिखता रहा। छू रहे थे सब बुलंदियां आसमान की, मैं सितारों के बीच चांद की तरह छिपता रहा। दरख्त होता तो कब का टूट गया होता, मैं था नाजुक डाली जो सबके आगे झुकता रहा। बदले यहाँ लोगों ने रंग अपने ढंग से, रंग मेरा भी निखरा पर मैं मेहंदी की तरह पिसता रहा। जिनको जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर, मैं समंदर से राज गहराई के सीखता रहा। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट तो गुमान न कर बुलंदियाँ छू हजार मगर, उसके लिए कोई गुनाह न कर। कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह खत्म कर दिए मैंने, जहाँ गलती नहीं भी थी मेरी फिर भी हाथ जोड़ दिए मैंने। तो मित्रों, ये कविता निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसमें मेरी भी भावनाएँ व्यक्त होती हैं। ऊपर की दो पंक्तियाँ मैं बहुत पहले मेरे दिमाग में बातें आई थी और मैंने इस कविता को पढ़ा और आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ, तो मैंने अभी भी रखा। तो आप कैसी लगी आपको मेरी ये कविता, और जो कि राकेश वर्मा द्वारा लिखी गई थी। अब इसे लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में देकर अपना सुझाव दें। जय हिंद, वंदे मातरम।